हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। हम सब बैठ करके विश्वास के मंदिर पर उनकी महिमा गा रहे हैं, जिनके द्वारा सब है, जिससे सब है, जिसमें सब है। ये भूल है जीव की, ससीनता और संकीर्णता ने अपने सूक्ष्म व्यष्टि अहंकार। हमारे यहां दो प्रकार का अहंकार होता है, एक समष्टि अहंकार, एक व्यष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार तो हो जाए तो बहुत बढ़िया है हमारा, जिसको समता योग कहते हैं, समत्वम योग। वो समष्टि अहंकार क्या करता है, उसके लिए विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, यो माम पश्यति सर्वत्र समष्टि अहंकार। यदि हो जाए, हे अर्जुन, जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, पशु पक्षियों तक, प्राणी मात्र के प्रति जहां आत्मीयता छलकने लगती है कि मेरे हैं ये सारे, उसको हमारे यहां समष्टि अहंकार कहते हैं। उसमें फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, चार वेदों के महावाक्य हमको मिले, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। चार ये वाक्य वेदों के मिले हमको, महावाक्य इसको कहते हैं। दो प्रकार के वाक्य होते हैं, महावाक्य और आवंतर वाक्य। महावाक्य में ये तत्वेता का प्रसंग है, क्या पता वो कितना स्पर्श कर पाया, अहम ब्रह्मास्मि तो कह रहा है, कितना वो स्पर्श कर पाया है कि उसको उसको ब्रह्ममय दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। और कब होगी वो दृष्टि प्राप्त, तो इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, विहाय कामान या सर्वान एषा उससे पूर्व की दशा है, विहाय कामान या सर्वान पुमाश। हे अर्जुन, जिस पुरुष की समस्त कामनाएं और निर्ममो निरहंकारा, कहीं ममता का दर्शन नहीं दिख रहा है, आसक्ति नहीं मिल रही किसी वस्तु में, पदार्थ में, प्राणी, क्योंकि आसक्ति ही ऐसा कारण बनती है, बंधन का कारण आसक्ति रहती है। बहुत कुछ हो वहां पर, कोई अटैचमेंट ना नजर आए अपना, तो क्या बांध लेगा हमको। मैं अपना सोचता रहता हूं, कहीं मेरे पास कोई कोई दशांश के पैसे दे देते महाराज, तो मैं कहीं कहीं भक्तों के पास ही रखे रहते, मुझे खटकता रहता। वो ऐसा दर्द का मारा आया है, तो हमने फिर कह दिया बेटा इतना तो हम कर ही लेंगे तुम्हारा, अब क्या अटैचमेंट है, और वो पैसा हमको क्या बांध लेगा, क्या कर लेगा हमको। युक्ति सीखनी पड़ती है हमारा, ये मार्ग जहां इतना कठिन बताते हैं, कारण क्या है, असक्ति के कारण कठिन होता है। और यदि श्री गीता जी का अनासक्त योग हाथ में लग जाए तो फिर क्या कठिन है। बद्धो ही को यो विषया अनुरागी, कावा विमुक्तिर विषया विरक्ति, बंधन तो यही है, विषया विषय में जो राग है,
अटैचमेंट हो जाता है, मेरा है मेरे पास ही पड़ा रहे, अटैचमेंट ये बांधेगा जरूर। बड़ों बड़ों को अंत में यही सब बांधता है, मेरा है मैं ये हूं, इसको बांध देता है। और यदि उसमें कोई स्पर्श मिल नहीं रहा तो फिर हमको बंधन क्या रहेगा? प्रारब्ध की भूमि में आया है तो फिर आने दो, लेकिन हमारा उसमें बंधन, उसमें फिर दुख सुख भी आता है तो उसे स्पर्श नहीं रहता, स्प्रया नहीं रहती। कितने बड़े से बड़ा दुख मिल जाए इसमें स्प्रया नहीं है, बस सुख भी वैसे उसको लग रहा जिसको इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। यम ही नवथन्ते पुरुषं पुरुषाश्वः। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है महाराज, जहां सुख और दुख में किसी प्रकार विचलन नहीं हो रहा है, बैलेंस जो है वैसे ही का वैसे पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें परमात्मा आने नहीं दे रहा है, उसके बाद जो फल मिल रहा है उस पर उसको संतुष्टि है। फिर क्या बोलता है? कुल मिला के एक युक्ति है जब हाथ में लगती है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, बेटा प्रवृत्ति की निवृत्ति ही मुक्ति है। मुक्ति किसको कहते? अगर वो घर छोड़ के भी निकला और प्रवृत्ति नहीं छूटी तो मुक्ति क्या होगी? घर छोड़ने के बाद भी अगर महात्मा पैसा जमा करने में लग रहा है तो उसकी निवृत्ति क्या होगी? मोक्ष क्या मिल जाएगा उसको? अब जिससे मोक्ष मिलना चाहिए वो तो हुआ ना काम। तो गुरुदेव भगवान क्या करते थे, बेटा प्रवृत्ति की निवृत्ति ही मुक्ति है। प्रवृत्ति जो है निवृत्त हो जाए, उसमें ऐसी युक्ति सीखें कि वहां हमारी स्प्रया ना हो। प्रवृत्ति तो सामने मुंह खोल के पड़ी रहती। क्या सोचते हो कि हम प्रवृत्ति में नहीं? सवेरे से लेकर रात 11 बजे तक मेरी प्रवृत्ति देखो मारे, लेकिन इस प्रवृत्ति में मैं कैसी निवृत्ति का रास्ता ढूंढता रहता हूं, क्योंकि हर एक का अपना विषय है। किसी के पेट का दर्द है तो उसको अपना पता है कैसे दर्द हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रवृत्ति में भी जब तक कोई युक्ति हाथ न लगे तो निवृत्ति नहीं आती, और कंठ प्राण तक प्रवृत्ति सामने मुंह खोल के पड़ी ही रहती है। केवल गृहस्थियों को नहीं, सब हमको, महात्माओं को, मंडलेश्वर वगैरह से प्रवृत्ति। उसमें जब तक उसके हाथ में युक्ति नहीं लगेगी मुक्ति उसको भी मिलने वाली नहीं। और युक्ति यह है कि कहीं लगाव ना दिखाई देता हो। जीवन की चलती यात्रा में एक महात्मा हमने देखा, 40 वर्ष पहले की घटना है, जब मैं गीताश्रम जगराम वाला में रहता था। एक टाट वाले बाबा बड़े प्रसिद्ध थे, उस समय के टाट पहन के घूमते थे, बड़ा कुर्ता, जैसे आज हमको इस ठंड का पहला ये बाबा बहुत ठंड है ये पहनो, भाई इतनी ठंड है नहीं, नहीं बाबा बहुत ठंड है, बात चलोगे ठंड है, चलो पहनाओ, पहन लिया। ऐसे वैसे लंबा टाट का पहन के घूमते रहे, और उसमें ये विशेषता देखी, जैसे किसी रिक्शे वाले को बुलाया वहां ले चलो, कुछ तय करा नहीं, वहां पहुंचे तो उसको नया नोट 100 का दे दिया। अगला कह रहा नहीं 2 रुपए ले यार तू जा, हमने आंखों देखा ये, इसलिए सब चक्कर काटते रहते थे कि ये महात्मा हमको कहीं कह दे, रिक्शे वाले घूमते रहते थे कहीं हमको कह दे अमुक जगह ले जा। जहां 98 रुपया 2 रुपए की बात होती थी उस समय, लेकिन 100 रुपए से कम देने नहीं किसी, वो कह रहता रहता 2 रुपए महाराज इतना क्यों दे रहे, अरे जाओ जाओ मेरे पास फुर्सत नहीं है। लोग कहते ही नहीं पता लगता है कि पैसा इसके पास आता कहां से, दिखते तो नहीं इसको पैसे, देते देखा नहीं इसके पास कोई आया हो देने वाला, और ये नहीं पता कहां से निकालता है गुजड़ी में से,
कोई पूछ भी नहीं सकता, उसके जेब भी नहीं टट हो सकते। और महाराज जब शरीर छूटा तो 80,000 रुपया उसके मिला टाट के उस अंदर से। किसी ने तो उसका अर्थ गलत लगाया, ठीक ऐसा महात्मा था, ऊपर से टाट पहन रहा है, भीतर रसी। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं महाराज अपना अर्थ लगा लेते हैं, और जो आस्तिक प्रकृति वाले थे उन्होंने कहा कुछ सिद्ध पुरुष था, आज तक किसी को देखा नहीं कि इनको दिया हो किसी ने पैसा और जेब में रखा हो, और जेब में से निकाल निकाल कर 100 के नोट देता रहता सब रिक्शा वालों को। बिल्केश्वर महादेव लेके चला गया वहां से, हम वहीं बैठे हुए बिल्केश्वर में उन दिनों में, रिक्शे से उतरा 100 रुपया। उसने कहा बाबा 2 रुपये देने आप। अरे छोड़, हमारे पास फुर्सती नहीं है, ले जा ले जा। कैसी स्प्रया नहीं थी उसको। तभी गोपियां उद्धव से कह रही थी, उद्धव अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो जिस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं, लगता है द्वैत में लेकिन देखो तो अद्वैत रहते हैं। अभी वो दुकान में माइयां बैठी रहती हैं, खाली हाथ ही, यहां चाय फ्री चलती थी, हमने हटा के उनको कह दिया, सवेरे उनको 100 रुपया दे देते, ये बच्चे महात्मा सबको चाय पिलाओ, फिर बढ़ती कमती बाद में फिर वो भक्त जाके करे पिलाओ। अब फिर हर एक से हम कहते रहते हैं चाय पियो, बाबा नानक की दुकान खुल गई है, तेरा तेरा कर रही है, जाओ चाय पियो, कोई पैसा नहीं लेगा। ले हम दुकान पे पैसे मांग, अरे पैसे कोई नहीं मांग रही तुमसे, पियो। पी रहे लोग चाय, बच्चे बड़े खुश हो रहे, महात्मा बड़े खुश हो रहे, सवेरे सवेरे बाबा ने चाय की दुकान खोला। हमसे पूछा जाए कि लल्लू तू छूता रखता नहीं है, ये सारी व्यवस्था कौन करता है? हमको फुर्सत ही नहीं है कि हम बता सके कौन करता है। दिखाई देता है कि अमुक ने पैसे दिए, लेकिन उसकी हिम्मत कहां है देने की, कौन दे सकता? हमारे रखे हैं उसके पास, तब उसको प्रेरणा आ रही है बाबा को, कौन देगा ऐसे पैसे? एक पैसा तो किसी को देने को तैयार नहीं। फिर आखिर जब हम छूते रखते नहीं हैं तो हमारा भी तो कोई वारिस है ना, हमारा किसी को फिर मेरे लिए बेचता है, ये लो बाबा का काम करो जाकर। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको। जैसे हाथी के पांव के नीचे सबके पांव पड़े हैं, एक हाथी का पांव ही सबसे बड़ा मानते हैं, ऐसे परमात्मा को रिझालो तो फिर कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में आने वाली नहीं। भगवान यदि तुमसे खुश हो गए तो फिर सारे खुश दिखाई देंगे, सब तरफ से आनंद आनंद। और यदि वही खींच गए तुमसे, कितना भी तुम बना लो, कितना संभाल लो, जितना भी कुछ कर लो, तुमको शांति कहां मिलने वाली? शांति का प्रसंग तो कहीं और जुड़ा हुआ। तुलसी यह तनु तवा है, तुलसी यह तनु तवा है, तपे सदा त्रिताप, तपे सदा त्रिताप, शांत होई जब शांति पद, शांत होई जब शांति पद, पावे राम प्रताप, पावे राम प्रताप। शांति पद कौन सा है महाराज? जो परमात्मा जब किसी से रिझता है, बस कबरी रिझता है, जो मानवोचित कर्म पे चल गया है भगवान उससे रिझता है। नियतम कुरु कर्म तम, जो अपने नियत अर्थात मानवोचित कर्म में लगा है उससे भगवान खुश हो जाता है। मानवोचित कर्म में यही है, भगवान ने दिया है किसी को भूखा देखा खिला दो, ये मानवोचित कर्म है। कुत्ता थोड़ी किसी को खिला देगा, उसके पास हो गए कि आज वो किसी को खिला दे,
अनजाने योनियों में कौन ऐसा है जो किसी को दान करे और किसी को खिलाए पिलाए और किसी को अपना आश्रय दे। मानव के पास ही सारी निधियां दे रखी भगवान ने, है तो करो और नहीं तो तुम क्षमे हुई। कई बार हम कहते रहते हैं जिसके पास ज्यादा हमको लाके दो, जिसके पास कम है हमसे लेके जाओ। हम तुम्हारे वो बैंक हैं बने हुए, ज्यादा हमको लाके दो, कम है हमसे लेके जाओ। क्या कर सकते, हम क्या करते, ये करते रहे, छूते रखते नहीं, ज्यादा है लाओ, ईमानदारी से लाओ, तुम बच्चे हो मैं, जिसको कम लग रहा है तो अपने ले जाओ, रोटी खाओ। क्यों, हमारे वेद ने हमको कहा है जी और जीने दो। अगर जिंदगी का सुख लेना है, जीवन का यात्रा को सुखद बनाना है, जियो और जीने दो। ये नहीं कि और को मार के तुम जियो, इसको जीना है। मुर्गा मार के तुम जीना चाहो, ये जीना नहीं, ये मरना है। बकरा मार के खा के तुम जीना चाहो, ये फिर मरना, क्या जीना है तुम्हारा, उसको जीने दो, तुम भी जियो। हे मानव, तुम्हारे लिए बहुत कुछ मैंने उपहार के रूप में रखा है। मानव को बना करके भगवान बड़ा खुश हुआ है हमारे, और उसी के लिए कितना सुंदर कहीं फल लगा दिए मीठे, कहीं बर्फी फरफी महाराज कैसी दुकानें सजा दी, और अन्यानी योनियों को इससे क्या प्रयोजन है। मानव के लिए उपहार, कर्म तुम्हारा है कि तुम्हारे कर्म में है कुछ नहीं, भगवान ने तो बहुत कुछ कर रखा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, भगवान ने तो तेरे लिए बहुत कुछ यहां करा हुआ, तुम्हारे कर्म नहीं साथ दे रहे कि तू बर्फी खा ले, लड्डू खा ले, देखता ही रहे उसको बस। जो कर्म ही नहीं साथ दे रहा तो भगवान का तू कुछ में दोष नहीं, तेरे लिए तो उपहार के रूप में भगवान ने कितने सुंदर फूल फल लगाए, मिठाई की दुकानें सजाई, कैसा दुग्ध बढ़िया अमृत के तुल माखन वगैरह, इनको छोड़कर तू बकरा खाई और महाराज मुर्गा खाई। अब तेरे कर्म यही है कि पुराना कुत्ता बिल्ली की योनियों में गुजर के आया, तेरा कर्म ऐसा नहीं है, तू फिर वही खाता रहे जो बिल्ली कुत्ते खा रहे महाराज। भगवान कह रहे अब हम क्या करें तेरा, बताओ हम क्या करते। छोटे हम थे, हमको तो अपने जन्म से लेकर अब तक सारा अपना प्रसंग याद है, कब क्या हुआ किसे, पुराने वक्त की बात है हमारा। हम दूध पीते नहीं थे, कई बच्चे जब दूध नहीं पीते, उस समय की पद्धति और थी है? माँ जो है जबरदस्ती यूं अपने पांव फैला करके सिर जो है पांव में रख दे हमारा, और हाथ एक हाथ से दोनों बाएं पकड़ ले, अब छोटा बच्चा, और चम्मच से मुंह में दूध ला ले जबरदस्ती पियो, जो जो रोवे और डाले पीते रहे। माँ खुश हो गई, चलो आधा पाव दूध अंदर चला गया, लेकिन जब मैं उठा उल्टी कर दी तो मत्था ठोकती है, तेरे भाग में दूध है ही नहीं तो मैं क्या करूं। ऐसे भगवान भी देखकर इन जीवों को कहता है तुम्हारे कर्म ही नहीं है, मैंने तो तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करके रखा, यहां मानव के लिए रखा, और किसी योनि का ऐसे क्या संबंध है बताओ। मानव के लिए रखा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसी ऐसी महाराज जगह देखी जहां मेंढक मारे जा रहे, कुत्ते मारे जा रहे, बंदर, ऐसी ऐसी जगह पर भी मछली मारी जा रही, क्या हो रहा है, कहते इससे इंजेक्शन तैयार हो रहे हैं, किस लिए, मानव के लिए। बंदर कई मारे जाते हैं, मानव के लिए कुछ निकाली जाती चीजें। अब तुम लोगों को जितनी एलोपैथिक दवाइयां मिलती हैं, तुमको क्या पता इसमें क्या क्या हो रखा है, परसों कई इंजेक्शन है महाराज जो कुत्ते से लिए जाते हैं, उनकी कोई ऐसी जगह ऐसी है वहां से ले ले तो मानव के काम आने वाला है। अनेक पशु पक्षियों को मार करके मानव को बचाने का प्रयास किया जाता है फैक्ट्रियों में। वो जो डॉक्टरी सीखते हैं सबसे पहले मेंढक ही मारने लगते हैं, उससे सीखते हैं, क्योंकि उसके फेफड़े फेफड़े सब मानव से मिलते जुलते हैं, उसी से सिखाते हैं मेंढक को, इस तरह करो फेफड़ा निकालो फिर डालो, अगर जी गई तो समझो कि तुम सफल हो गए,
सीखते सब पशु पक्षियों से हैं डॉक्टर, मैंने आंखों से देखा सारा कार्य। एक छपकली को लेके चीर फाड़ कर आता, क्यों डॉक्टरी सीख रहे हैं। ये प्रसंग ऐसा करो यूं करो, उसके बाद जी गई तो समझो मानव पर तुम ऐसा सफल हो जाओगे। प्रयोग करते हैं पशु पक्षियों पर, मानव के लिए करते हैं, उसे वो डॉक्टर बनते हैं। बताओ हे मानव तेरे लिए क्या नहीं भगवान ने कहा, लेकिन तू इतना बदकिस्मत निकला कि जो काम करना उचित है उसको न करके फिर ना जाने किन कामों में लग रखा। इसलिए उत्थिष्ठत जागृत प्राप्य परा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पथस्त कवियो वदन। उठो जागो और बोध प्राप्त करो, और बोध के भंडार कौन है, संत और सदगुरु जन। बोध प्राप्त करो कि तुम्हारे मानव जीवन का परम उद्देश्य सर्वोपरि कार्य क्या हो सकता हो। उद्देश्य विहीन जीवन भी क्या मानव का जीवन है, तो मुर्दा घूम रहा है यहां पर। क्या उद्देश्य रहा तुम्हारा, कभी सोचा क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लक्ष्य भी निर्धारित नहीं होता, जीवन गुजर जाता है। कभी सोचते हैं सुख पत्नी देगी, लक्ष्य बना लिया। कभी सोचते हैं सुख पैसा देगा, लक्ष्य बना लिया। करते कराते अंत में देखो तो दिवाला ऐसा पीटा होता है, सुख फिर मिला ही नहीं है। क्या कहां पड़ा वो सुख, जब भूख पैदा होती है कि है कहां वो, जिसकी खोज में मैं संसार में भटकता रहा मिला ही नहीं। तो उसके लिए कबीरा बोल रहा है, जिसमें सुख मिलना है तो साहिब तेरा घट ही के भीतर, बाहिर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिले ओले, साहिब मिल गए तिले ओले। कितनी सुंदर युक्ति बता रहा है। बाहर की यात्रा में चाहो तो सुख मिलना ही नहीं। सच पूछो हम कितनी बड़ी बड़ी यात्रा में भी गए, सोमनाथ तक, गंगा सागर वगैरह, और वहां भक्त लोग कहते थे बाबा आराम कर लो, हम कहते आराम अब देहरादून में होगा। यात्रा में किसको आराम मिलता हमारे, इसलिए यहां भी हम सब यात्रा में घूम रहे हैं, यहां आराम किसको मिलने वाला है। आराम तो अपने घर में ही मिलेगा सबको, और अब तक किसी को पता ही नहीं है घर कौन सा हमारा। घर बना बना के चले आ रहे हैं, घरवालियां बसा रहे हैं, बच्चे बसा रहे हैं। जिसको देखो लड़के को सेट कर रहा हूं, लड़की को सेट करने में लगा हूं। अरे भाई सबको तो सेट कर रहे हो, अपना भी घर पता है कहां है तुम्हारा। सब सेट करने में लगा रहा, अपने आप ऑफसेट होकर घूम रहा है। कहां घूम रहा है, आकर चारी लाख चौरासी, आकर चारी लाख चौरासी। क्या मूर्खता का परिचय दिया तुमने, तुमको अपने घर का ही नहीं पता लगा। सबको तो तुमने सेट फिट कर दिया, लेकिन अपना पता ही नहीं लगा, कहां जाना है, क्या करना है। कैसी मूर्खता का परिचय हम देते रहे जीवन भर। इसी को राजा भर्तृहरि की जब आंख खुली, कह रहा मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं भूल भलैया में अब तक रहा हूं, यथार्थ का दर्शन अब करूंगा। है क्या, उस खोज में फिर चले राजा भर्तृहरि। वर्तमान युग की ऐसी विभूति मिली जो अत्यंत स्त्रीण थे महाराज, श्रृंगार रस की रचना करी, श्रृंगार शतक बनाया, तो जो विरक्त से विरक्त भी होगा ना वो कहेगा शादी कर ले उसका सुख ले ले, बताओ। लेकिन जब बैराग शतक लिखा है, बैराग के 100 श्लोक लिखे महाराज, ऐसे उससे को रोला देते हैं, हिला देते हैं। भोगे रोग भयम, ये अनुभव की बात कर रहा हूं। भोगे रोग भयम, कुलेचुति भयम, वित्ते निरप आलाद भयम, शास्त्री वादी भयम, माने दैन्य भयम, बलिरिपु भयम, काय कृतंताद भयम,
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नीलिनां वैराग्यम एवा भयम्। अब जब शतक वो जो सौ श्लोक वैराग्य के आई है महाराज, तो ऐसा ऐसा प्रसंग मिलता है वहां पर, कितना भी भोगी होगा वो भी चाहेगा कि हम सब छोड़ छाड़ करके, लेकिन है बड़ा मुश्किल उसको अध्ययन करना, उसके अर्थ को ठीक तरह से लगवाना। समय गुजर गया नहीं तो मैं उसका अर्थ लगाता, तो यहां जरूरत ही नहीं पड़ रही अर्थ की, यहां तो एक ही काम करो। कलयुग के प्राणियों के लिए श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने सरल उपाय बताया है, हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम कलो नास्तीव नास्तीव नास्ती गतिर अनर्था। कलयुग के प्राणियों के लिए तो एक ही काम करना ठीक रहेगा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर भव उतर उपारा, सुमिर सुमिर भव उतर उपारा। कलयुग के प्राणियों के लिए तो सारे प्रसंग इस समय, वैज्ञानिक युग ने इतना भोग प्रधान जीवन सबके बना दिए कि वो उसको वैराग्य शतक को छूना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मारा बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अब तो एक ही काम, स्मरण करो बस, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, शंकर हो, कोई हो, उसके मंत्र को मत छोड़ो, निरंतर जपना शुरू करो। वो कहीं कोई हाल निकाल देंगे तुम्हारा कि मानव जीवन में तुमको निष्कृति हो जाए कर्म से, क्योंकि बिना कर्म की निष्कृति के मोक्ष संभव नहीं है, और मोक्ष संभव नहीं है तो फिर उलट पुलट के हम यहीं आते रहेंगे, पता नहीं चलेगा हम कौन है। अब जितने हम सब बैठे हैं ना, इन सब में कौन कौन किसके रिश्ते में है कुछ पता ही नहीं है, पीछे कब से चल के आ रहे हैं। शास्त्र का प्रमाण है, जब तक अज्ञान रहता है मिल मिल के बिछड़ते रहते हैं, रूपांतर होता रहता है, बताओ, मिल मिलके बिछड़ते हैं, रूपांतर होता रहता है। रूपांतर में क्या है, मेरे घर का स्वयं मालक पिता भी कहीं रूपांतर होके कर्म का मारा बिल्ली बन के आ गया है, कुत्ता बन के आ गया, कोई उसको जान ही नहीं पा रहा कौन है, लेकिन वो बार बार हमारी ओर भाग रहा है। मैं देखता हूं यहां कई ऐसे प्रसंग जुड़ते हैं, बार बार मेरी ओर भागते हैं, लगता है कि पिछला कोई है, कोई कोई गैया ऐसी है पीछे लगती है। ये सारे प्रसंग जो है बताते हैं इस बात की कि वो जो रूपांतर वाला प्रसंग बताया गया है कि जब तक कर्म पड़ा रहेगा, अनुबंध पड़ा रहेगा, तो जीवन के जीवन जाने के बाद भी फिर रूपांतर में मिलते हैं, जान नहीं पाते कि कौन है, पहचाने का ही कौन है। अब जो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके मेरे आगे आई और मैं कहता हूं लाओ पाओ दूध इसको पिलाओ, कौन हो सकता होगा, सबके लिए तो प्रसंग जुड़े नहीं रहा। एक कुत्ता भी किसी सेठ की गोद में बैठकर ऐसी गाड़ी में घूम रहा है, कौन हो सकता होगा। बहुत पुरानी घटना है, त्रिपकेश्वर महादेव में हम यहां से पैदल 3 बजे भाग जाते थे, वहीं हनुमान का जो मंदिर है उसके निकट गुफा है हमारी अभी भी है, हम उसमें जाके बैठ जाते। एक बार उसमें सांप निकला, उसके बाद नहीं बैठा डर के मारे, सांप निकला है महाराज, बहुत लंबा सांप निकला। तब से फिर क्योंकि अंतःकरण का तो धर्म है भयभीत हो जाना, संकल्प विकल्प ये मन के धर्म, ऐसा डर लगा कि उसके बाद में उसमें गया ही नहीं, गुफा में बैठे कई बार बैठता रहा। जब से सांप निकला अंदर हमारे सामने से गुजरा अंदर से निकल के, उसमें बैठा ही नहीं फिर जाकर, तो वहां अनुभव देखता रहता। तो देखा तो वहां के महंत जो पुराने थे गिरी, तो जब जाओ ठंड के दिनों में मैंने देखा एक बिल्ली उसके उसके रजाई में घुसी रहती थी। तो महात्मा जी काहे को बिल्ली को अपने संग में सुलाते हो, कहता पता नहीं साली कौन है, मैं सोए रहता हूं आकर के संग में ही सो जाती, कौन हो सकता हो, क्या पता कौन। तो ये जो रूपांतर होता रहता है महाराज, शास्त्रों का प्रमाण है, शरीर छूटने पर भी
शरीर नहीं छूटता है, रूपांतर होके होता, जब तक वासना बनी हुई है बस। यम यम वाप स्मरण भाव इससे ज्यादा स्पष्ट आपको अपने कर्म का ब्यौरा कहां से मिलेगा। इसलिए भगवान का भजन इतना करें कि भगवान हमारे हाथ में ऐसी युक्ति लगा दे कि हम अपने गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा था बेटा जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करके चले जाना, ऐसी युक्ति हाथ लग जाए कि हम जीवन मुक्ति का सुख अनुभव करने लग जाए। और जीवन मुक्ति का सुख यही है कि कहीं अटैचमेंट हमको दिखे ही नहीं, स्प्रे ही ना हो, जीवन मुक्ति का सुख। गीता का सर्वोपरि प्रसंग है हमारा अनासक्त योग। ये अनासक्त योग की प्रक्रिया सिखाई जा रही है, अंतवंत इमे देह विष्णु पद्म वापनोति। हे नाथ,